हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे इस जेक्यूरी वीडियो ट्यूटोरियल पर। और हमेशा की तरह मैं आपको फिर से बोर करने आ गया हूँ। जो भी हो दोस्तों, मैं इसी तरह से रोज आते रहूँगा और आप लोगों को कुछ ना कुछ हमेशा की तरह सिखाते रहूँगा। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं सेलेक्टर के बारे में। जैसे पिछले कुछ ट्यूटोरियल से मैं आपको सेलेक्टर के बारे में बता रहा हूँ, और आज भी जो हमारा टॉपिक है सेलेक्टर है, और आज हम चार सेलेक्टर के बारे में समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको ले जाऊंगा मेरे इस HTML डॉक्यूमेंट में, ठीक है, जहाँ पे मैंने कुछ बना के रखा है। जैसे ये डिव एलिमेंट है, देखिए कितना डिव एलिमेंट है आपका, चार डिव एलिमेंट मैंने यहाँ पे बना के रखा है, ठीक है। और इसके अंदर में एक H1 टैग है सबने, और UL है जिसके अंदर में हम लोग लिस्ट एलिमेंट लिए हैं, ठीक है। अब इसको पहले मैं फायरफॉक्स में रन कर, ये इस प्रकार, ठीक है। सबसे पहले जो एलिमेंट हम लोग देख रहे हैं, जो सेलेक्टर एलिमेंट देख रहे हैं, जेक्यूरी सेलेक्टर देख रहे हैं, वो है आपका CQ ब्रैकेट ओपन क्लोज और फिर इंडेक्स वैल्यू। इसको समझने के लिए मैं सबसे पहले आपको डेवलपर टूल में ले जाना चाहता हूँ। आप फायरफॉक्स ओपन करके F12 प्रेस करिएगा तो ये आपका डेवलपर टूल आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो डिव एलिमेंट है ये कितना है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर में कितना डिव एलिमेंट है इसको देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से यहाँ आप लिखिएगा सेलेक्ट डिव, तो ये आपको इसका टोटल जितना भी डिव एलिमेंट है वो आपको ये दिखाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लेंथ दिखा रहा है 3, इसके अंदर में 3 डिव एलिमेंट है, और ये जो डिस्प्ले हो रहा है 0, 1, 2, ये इसका इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। अब जो हम देखने वाले हैं वो है आपका EQ ब्रैकेट ओपन क्लोज, इस प्रकार से हम लोग इसको लिखते रहेंगे। EQ देंगे, फिर E लिखेंगे, फिर Q लिखेंगे, और ब्रैकेट के अंदर में कुछ भी नंबर हम लोग देंगे। और ये जो नंबर होता है दोस्तों, ये होता है इंडेक्स नंबर, INDEX इंडेक्स। ये इंडेक्स नंबर क्या है, यहाँ पे जो दिखा रहे जैसे डी, ये आपका 0, 1, 2, ये इसका इंडेक्स नंबर है। तो बाय इंडेक्स नंबर अगर हम लोग को सेलेक्ट करना है कोई भी एलिमेंट, तो सबसे पहले हम लोगों को उस एलिमेंट का नाम लिखना पड़ता है। जैसे मैं डीप लिखा हूँ, उसके बाद इशू देना पड़ता है, और उसके बाद यू ये EQ, और उसके बाद जो भी पोजीशन को हम टारगेट करना चाहते हैं। जैसे कि इस बार मैं टारगेट करने वाला हूँ 1 के ऊपर, ठीक है, मतलब सेकंड वाला डीव एलिमेंट 1। और इसको सेलेक्ट करने के लिए ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसको इन्वर्टेड कॉमा में लेना पड़ता है, जैसे नॉर्मली हम लोग सेलेक्ट करते हैं कोई भी एलिमेंट और फिर ब्रैकेट क्लोज करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग डॉलर साइन देंगे, देखिए डॉलर साइन देंगे, और इसके बाद इसके अंदर में हम कोई CSS अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे जाते हैं और इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे हम, बैकग्राउंड, और उसके बाद कलर जो है कलर क्या देंगे, कलर दे देते हैं यहाँ पे, मैं दे देता हूँ ग्रे दे देता हूँ, CR2Y3, और ब्रैकेट बंद कर देते हैं और फिर से बात। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 डिव एलिमेंट में से सिर्फ आपका जो सेकंड वाला पोजीशन था जिसका इंडेक्स वैल्यू कितना था 2 था, उसी को ही ये सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जिस एलिमेंट को आप टारगेट कर रहे हैं उस एलिमेंट को लिखिए, फिर इशू साइन दीजिए, उसके बाद EQ, फिर उसका जो इंडेक्स वैल्यू होगा वो आपको ब्रैकेट के अंदर में पुट करना होता है, और फिर जो भी आप इसके एक्शन करवाना चाहते हैं, जैसे ये एक्शन मैंने करवाया था, इसी प्रकार से आप कोई भी एक्शन इसमें करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। जैसे अभी मैं दूसरा एक्शन जो परफॉर्म करवाना है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ हाइट। क्या है दोस्तों, एक इफेक्ट है, इफेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हाइट इफेक्ट थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो अब क्या हुआ, ये इसको हाइट कर, ठीक है। चलिए ये पहला सेलेक्टर का तो बात हो गया, अब बात करते हैं हम लोग दूसरा सेलेक्टर का, जिसके लिए हम लोग EQ के बदले हम लोग लिखते हैं GT। GT मतलब दोस्तों ग्रेटर देन साइन, ठीक है। और अब ग्रेटर देन साइन देने से पहले, और यहाँ पे मैं काम करता हूँ ग्रेटर देन साइन, ठीक है, यहाँ पे LI को टारगेट करते हैं, ठीक है ना, LI को टारगेट किए हैं, और जो जो LI है डीप के अंदर में उसको हम लोग टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो
यहाँ पे हम लोग दे देते हैं ग्रेटर देन, मैं यहाँ दे देता हूँ ग्रेटर देन 3 दे देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। देखिए देखिए, अभी यहाँ पे जैसा हम लोगों ने दिया था कि ग्रेटर देन 3 होगा तो ही ये कलर जो भी है चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे ये पहला एलिमेंट आपका लेस देन 3 है, क्योंकि इसमें सिर्फ सिर्फ 3 है और 3 इज इक्वल टू 3 होता है, 3 इज नॉट ग्रेटर देन 3 होता है, ठीक है। इसीलिए क्या हुआ, इसके नीचे में जो एलिमेंट था इसको ये टारगेट किया और सबको सबका कलर जो था वो बैकग्राउंड कलर ग्रे कर दिया, और नेक्स्ट वाला जो एलिमेंट था इसका भी आपका बैकग्राउंड कलर जो था वो ग्रे कर दिया, है ना। यहाँ पे हाँ, तो और इसी प्रकार से हम लोग लेस देन साइन भी दे सकते हैं। इसके लिए हम लोग को लिखना पड़ता है LT, LT इसका मतलब होता है लेस देन। अब यहाँ पे मैं लेस देन लिखा हूँ और उसके बाद ये चीज है, ये चीज के बदले में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ LI, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ D। D के अंदर में जो LI है जिसका लेंथ होगा लेस देन, ठीक है, तो लेस देन 4 में टारगेट करता हूँ, ठीक है। उसका बैकग्राउंड कलर ग्रे होना चाहिए, है ना। अब इंटर मारेंगे तो देखिए ये सिर्फ आपका आपको यहाँ पे देखिए, ये आपको ये एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहा है और नीचे वाला ये नीचे वाला एलिमेंट जो है इसको भी ये सेलेक्ट कर ले रहा है, ये एलिमेंट लेस देन 4। ठीक है दोस्तों, ये 4 नंबर तक ये आपका सिलेक्शन, देखिए 0, 1, 2 और 3, देखिए इसको समझिए बाट को क्या हो रहा है। ये आपका 0, 1, 2, 3, अगर हम लोग सिर्फ LI एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं अगर सिर्फ LI को सेलेक्ट करूंगा तो ये हमको बताएगा कि टोटल कितना LI है, ठीक है। ये डिप के हिसाब से ये नहीं सेलेक्ट कर रहा है, ये टोटल एलिमेंट जो LI एलिमेंट यहाँ पे मौजूद है ये उसको टारगेट कर रहा है। जैसे यहाँ पे टोटल LI एलिमेंट जो है वो आपका 13 है जिसका लेंथ 4 है, ठीक है। इस प्रकार से जब हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं LI और उसके बाद में सबसे पहले यहाँ पे जैसे लिखता हूँ मैं GT ग्रेटर देन, तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ग्रेटर देन अगर मैं यहाँ पे टारगेट करता हूँ 5, तो अब ये कहाँ से सेलेक्ट करेगा। देखिए ग्रेटर देन 5 मतलब ये 1 0 को लेगा, 1 को लेगा, 2 को लेगा, सॉरी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 4 तक जो है वो नहीं लेगा, ये 5 से शुरू करेगा। कहाँ से शुरू करेगा दोस्तों, ये 5 से शुरू करेगा, ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 मतलब 6 से शुरू करेगा, सॉरी 6, 7, 8, 9, 10 बाकी का जितना भी एलिमेंट होगा उसका कलर ये क्या कर देगा, ये आपका ब्लू कर देगा, BLUE, है ना। उसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं हम लोग और फिर अब इंटर मारते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ ये आपका पहला जो था ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, ये आपका 5, ठीक है। 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 एलिमेंट को छोड़ देगा और रेस्ट ऑफ द जितना भी एलिमेंट होगा LI एलिमेंट ये उसको टारगेट करेगा। और सेम उसी प्रकार से दोस्तों ये जो आपका इसको यहाँ से कुछ सेलेक्ट कर देते हैं, लेस देन भी उसी प्रकार से काम करते हैं। और लेस देन के लिए हम लोग को क्या लिखना पड़ता है, हम लोग को लेस देन के लिए L और T लिखना पड़ता है। लेस देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेस देन 2। अब 2 बोले तो 0 और 1 ये दो एलिमेंट जो है, ठीक है ना। लेस देन 2 में क्या आता है, 0 आएगा और 1 आएगा, तो ये सिर्फ दो एलिमेंट को ही टारगेट करेगा, ठीक है। इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं हम लोग और उसके बाद फिर इसको हम लोग प्रिंटर मारते हैं। तो देखिए इस प्रकार से ये दो एलिमेंट को ये फोकस कर रहा है, क्योंकि इसका इंडेक्स वैल्यू जो है एक का 0 है और दूसरा का 1 है। चलिए तो 1, 2, 3 तीन सेलेक्टर के बारे में हम लोगों ने देखा। अब एक लास्ट सेलेक्टर के बारे में हम लोग देखेंगे, नॉट सेलेक्टर, ठीक है। तो ये नॉट सेलेक्टर के लिए एक काम करूंगा, मैं जाऊंगा पहले HTML में और यहाँ पे एक डीव एलिमेंट जो है मैं इसका आईडी लिख देता हूँ, मैं इसका आईडी देता हूँ नॉट, ठीक है। अब फिर से हम लोग चलते हैं फायरफॉक्स में और यहाँ पे सर्च
सेलेक्ट करेंगे हम लोग डी वैल्यू में, डी, बट हम लोग यहाँ पे बोलेंगे ईच टू एन ओ टी नॉट, और ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पे हम लोग देंगे हैच एन ओ टी नॉट। ये हैच एन ओ टी नॉट इसलिए लिख रहा हूँ मैं क्योंकि मैंने वहाँ पे जो आईडी दिया है नॉट का, इसका मतलब ये है, ये थ्योरी को ये बोल रहा है कि डी आई बी को तो सेलेक्ट करो मगर नॉट नाम का जो आईडी है उसको छोड़ के। तो ये जो नॉट ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं हम लोग नॉट सेलेक्टर का, ये क्या करेगा, जो पर्टिकुलर आईडी को हम नहीं सेलेक्ट करना चाहते हैं वो ब्रैकेट के अंदर लेंगे, तो ये उसको छोड़कर बाकी जो भी एलिमेंट होगा उसको ये टारगेट करेगा। अब इसको हम लोग ब्रैकेट बंद कर देते हैं और फिर यहाँ पे डॉट दे के लिखते हैं। देन यहाँ पे मैं फिर इस बार कलर से मैं कलर बैकग्राउंड भी देता हूँ, बैकग्राउंड बैकग्राउंड प्रॉपर्टी ब्रैकेट क्लोज सॉरी कॉमा देखिए इसका वैल्यू इस बार मैं रेड करना चाहता हूँ। अब एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि प्रीवियस वाला हट जाए और आप सिर्फ इसको देख सकते ये जो नॉट सेलेक्टेड है। अब यहाँ फिर से इंटर मारेंगे हम लोग तो यहाँ पे ये काम नहीं किया है डी आई बी एन ओ टी नॉट, उसके बाद और नॉट दोस्तों देखिए ये काम नहीं करने का रीजन सिर्फ छोटा सा रीजन है दोस्तों, छोटी छोटी बातों पे हमें गौर करना होगा अगर हम के क्यूरी पे काम कर रहे हैं या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है चाहे वो जावा स्क्रिप्ट हो चाहे वो पीएचपी हो, हमारा मिस्टेक बहुत छोटा सा ही होता है। देखिए बैकग्राउंड तो यहाँ पे जी छुटा हुआ ठीक है ना। अब फिर से इसको इंटर मारते हैं तो देखिए दोस्तों इस बार हमारा ये जो है काम कर रहा है, सिर्फ ऊपर वाला जो डी एलिमेंट है उसको ये छोड़ दिया। इसको छोड़ने का रीजन क्या है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने इसका आईडी चेक किया था नॉट नाम से, आईडी इक्वल टू नॉट लिखा था और जब हम लोग कोडिंग कर रहे थे उस वक्त हम लोगों ने क्यूरी को बोला कि जो नॉट नाम का आईडी है उसको आप नॉट कर दीजिए, यानी इसका मतलब ये है कि आप इसको सेलेक्ट मत करिए ठीक है दोस्तों। तो अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो या फिर समझ में आया हो तो ही इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरह से मेरे साथ सीखते रहिए जेक्यूरी।